से हमारे खूबसूरत से उम्मीदवार आनंद भगत जी। हमारे प्रदेश के निरीक्षक गोरा जी, कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस जिला अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, सम्मान्य व्यासगिरी और मेरे सामने उपस्थित अच्छे दिन के पीड़ित महेंद्र वेश के नागरिक। अच्छे दिन के पीड़ित क्यों बोला जाए, आप लोगों को थोड़े बता, अच्छे दिन तो आए, अब मौका आया है तो फिर एक बार हम अपनी लड़ाई में फिर से शामिल हो जाते हैं और उम्मीद रखते हैं कि कोई लौटा दे मुझे मेरे भी बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पंछी, कम से कम हमारे अच्छे दिन वापस लौट कर आए, जिसके जिन दिनों में हम सुख से रहा करते थे, अपना कारोबार करते थे, छोटे से छोटा आदमी अपना इतना से कारोबार करता था, धंधा करता, बड़ा कारोबारी काम करता था, देश में संतुलन बना था, देश का जीडीपी अच्छा चल रहा था, नौकरियां थी, काम था, पैसा था, मेरी माँ बहनों के पर्स में पैसा बचता था, जो बचा कर रखते थे उसका नोटबंदी में जो सत्यानाश हुआ है वो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप लोगों से बचा कर जो मेरी बहनों ने पैसा बचाया था उनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ। ऐसा वक्त जो हमने अब बिताया है पिछले 5 सालों में उसको अगर मैं गिना नहीं जाऊं तो ये खराब भी कम पड़े, परिस्थितियों पर हमें लड़ाई लड़नी है। वक्त मिला है मैं फिर से एक बार जमहूरी हक लोकतांत्रिक पद्धति से कि हम अपना रहनुमा, हमारा नेता, इस देश का प्रधानमंत्री, इस मीरा भाईदर का नेता या पूरे थाने का हमारा 25 लोकसभा का नेता हम चुनकर भेजे। अरे भाई, आदमी काम काज का नहीं हो, चलता है, कम से कम शक्ल तो अच्छी होनी चाहिए। राजे निचारे बापों ने अभी देखा है क्या, लानत बरसती है हमारे उम्मीदवार को देखिए, खूबसूरत से हमारे उम्मीदवार आपको मेरे पढ़े लिखे उम्मीदवार राज्य सरकार
साथ में सत्ता पर है, उन्होंने ही उनके मंत्री रंजीत पाटिल साहब ने सभागृह में खड़े होकर कहा कि जो डीपी बना हुआ है ये डीपी कैंसर, और उसकी वजह यह है कि बहुत से लोगों ने कंप्लेन की, तकरार की, शासन के पास तकरार की कि ये जो विकास खड़ा खड़ा बना है, जो डीपी प्लान बन रहा है नया, वो पूरी तरह से उसमें भ्रष्टाचार है। बड़े बड़े बिल्डरों को बुलाया गया, उनको धमकी दी गई कि आपकी जगह जो है हम उसको रिजर्वेशन में डाल देंगे, आपने अगर हमको पैसे नहीं दिए आपके रास्ते में आपकी जगह में हम रास्ता निकाल देंगे अगर आपने हमको पैसे नहीं दिए। और कई लोगों को फेवर करके वो डीपी को मैनिपुलेट किया गया, तो उस डीपी को शिवसेना के मंत्री ने विरोध करके उसको रोक दिया, आज तक डीपी हमारा पूरा नहीं। आज हालात ऐसे हैं कि हमारे साथ कुछ ही दिन तक हकीकत है शिवसेना हमारे साथ लड़ाई लड़ रही थी बीजेपी के विरोध में, पर आज सत्ता पर आने के लिए चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। तो ये परिस्थिति है, ऐसे चोरों से हमको बचना है। देश का चौकीदार भी चोर है, गांव के तो दोनों चौकीदार डाकू है, चोर तो छोटे होते हैं ये तो दोनों के दोनों डाकू है। बड़ा बहुत बड़ा हाल है, बहुत परिस्थिति विकट। अगर हमने अपने इरादे को, अपने काम को नहीं बदला, अपनी सोच को नहीं बदला, अपने अपनी काम को ईमानदारी से नहीं किया, तो हम फिर से इन्हीं चोरों के हवाले शहर को करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शहर जो आपका अपना है, अपने हर इंसान को मुझे लगता है अपने शहर से मोहब्बत है, उसको हमेशा लगता है कि मैं जिस शहर में रहता हूँ वो मेरा अच्छा शहर विकसित हो, अच्छे लोग हो, अच्छी बातें हो, अगर वाकई में आप अपने शहर से मोहब्बत करते हो, तो आनंद प्रांजलि जी को आने वाली इलेक्शन में चुन कर दीजिए, ताकत से काम कीजिए, घर घर जाइए, इंतजार मत कीजिए कि कोई आकर आपको बोलेगा कि आपको ये काम करना है। पूरी ताकत और ईमानदारी से अगर हमने काम किया तो आनंद प्रांजलि जी चुन कर जाएंगे, हमारे खासदार बनेंगे, आने वाले 6-8 महीने के बाद आमदार भी है, मुजफ्फर भाई चुन कर जाएंगे, दो पढ़े लिखे लोग इस परिसर का नेतृत्व करेंगे, और ये जगह आपकी और मेरे गांव की, आपका मेरा भयंकर, मेरा भयंकर एक स्वर्ग बनकर रहेगा, हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा, इस शहर का भविष्य उज्ज्वल होगा। मैं अपनी इतनी बातें करके अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र। जय हिंद।